subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. बैंक निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 39,000 पे बंद हुआ है, लगभग 711 पॉइंट नीचे, लगभग 2% का हमने लॉस देखा है. और यहाँ अगर हम मंथली चार्ट पे देखेंगे तो हमने लगभग 39,800 का हाई लगाया था और वहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद अभी मार्केट जो है तो करेक्ट हो रहा है. तो यहाँ निचले लेवल जो है तो आ सकते हैं, क्योंकि हमने जो हमारे टारगेट थे वो लगभग अचीव होने के बाद जो है तो मार्केट ने वहाँ रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है. यहाँ जो है मंथली चार्ट पे सपोर्ट जो है तो बहुत निचले लेवल पे है. अगर आप देखोगे तो 20 मंथ का जो एवरेज है वो है लगभग 35,700 के अराउंड. तो अगर डीपर करेक्शन आता है तो आपको वो लेवल टेस्ट करते हुए दिखेगा मार्केट. तो यहाँ जो है तो मेरी सलाह रहेगी प्रॉफिट बुकिंग करने की या फिर वेट एंड वॉच करने की. और जिनके पास प्रॉफिट है उन्हें एक तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए अपने हर एक प्रॉफिटेबल पोजिशन के लिए. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो ये फर्स्ट वीक है बैंक निफ्टी के लिए, जिसमें जो है तो चार वीक के बाद हमने फर्स्ट टाइम रेड कैंडल देखी है ऑन द चार्ट. और ये क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन के साइन दिखाता है. और यहाँ जो है तो हम ओवरबॉट जोन से करेक्ट हो रहे हैं. हमने लास्ट वीक जो है तो बैंक निफ्टी में लगभग 3% के गेन देखे थे, 1100 पॉइंट प्लस ऊपर बंद हुआ था. इस हफ्ते हमने जो है तो लगभग 75-76 पॉइंट का लॉस देखा है, फ्लैट नेगेटिव क्लोज हुआ है. तो ये स्टार्ट ऑफ द करेक्शन हो सकता है. और यहाँ जो है तो डेली चार्ट पे सपोर्ट बहुत ही नीचे है, तो अगर करेक्शन आता है तो बहुत ही डीपर करेक्शन रहेगा. तो यहाँ मेरी सलाह रहेगी जिनके पास प्रॉफिट है एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा है या फिर प्रॉफिट बुक करें. यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो है तो मुझे लगता है आपको निचले ही लेवल मिलेंगे. और यहाँ जो है तो सेल ऑन राइज व्यू अभी शायद बनने जा रहा है, वो देखेंगे हम डेली चार्ट पे वो बनता है कि नहीं और कौन से लेवल होंगे. तो वीकली चार्ट पे यहाँ जो है तो करेक्टिव पैटर्न दिख रहा है, अर्ली करेक्टिव पैटर्न. और हो सकता है कि एक डीपर करेक्शन आता है तो 35,700 तक बैंक निफ्टी जा सकता है. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देखोगे एक बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है आपको, तो ये क्लियर कट दिखाती है कि किस तरह से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है. यहाँ जो है तो 39,050 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक मेरा व्यू जो रहेगा सेल ऑन राइज का रहेगा. जो टारगेट रहेंगे वो 37,950 और उसके बाद में जो है 36,900 और 36,200 के टारगेट में लेकर चलूँगा. तो जब तक मार्केट 39,050 के नीचे रहता है व्यू रहेगा सेल ऑन राइज, टारगेट रहेंगे 37,950, उसके बाद में 36,900 और 36,200 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. यहाँ हम जो है तो ऊपर के लगभग सभी टारगेट अचीव करने के बाद हमारा 40,000 प्लस के टारगेट थे उसका ट्राई किया था मार्केट ने, मगर हम जो है तो 39,800 के पास से ही जो है तो रिवर्सल दिया है, क्योंकि मंथली चार्ट पे वो एज अ रेजिस्टेंस था. तो वहाँ मंथली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है जो डेली चार्ट पर रहेगा. तो जिसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो मंथली जो बड़े चार्ट रहते हैं टाइम फ्रेम पे उन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहना चाहिए. वो सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम करते हैं. तो वहाँ से हमने देखा कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेने के बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया है. अभी यहाँ जो है तो शॉर्ट टर्म पे 39,050 का जो लेवल है वो आपको वेट एंड वॉच करना है. उसके नीचे सेल ऑन राइज व्यू रहेगा 37,950 और उसके बाद में 36,900 के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ मेरा व्यू रहेगा सेल ऑन राइज बिलो 39,050 के. अगर उसके ऊपर जाते हैं तो फिर से जो है तो मार्केट ट्राई करेगा 40,000 और 40,800 के लेवल टेस्ट करने के लिए. यहाँ जो है तो बुल मार्केट में करेक्शन भी बहुत डीपर रहते हैं, क्योंकि जो वीक हैंड है उनको वाइप आउट करने के लिए मार्केट जो है तो कभी कभी पैनिक मूव दिखाता है. मगर आपको यहाँ लेवल पे खेलना है. 39,050 के ऊपर बुलिश व्यू रहेगा, उसके नीचे जो है तो बेरिश व्यू रहेगा. तो अकॉर्डिंगली आपको कॉल और पुट में जो है तो पोजीशन बनानी है. अगर नीचे रहता है तो इन द मनी पुट पे फोकस करेंगे और बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे. उसके ऊपर रहता है तो हम कॉल पे फोकस करेंगे
और जो हमारे ऊपर के टारगेट है वो रहेंगे 40,000 और 40,800 के। उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है क्योंकि मंथली चार्ट पे जो है तो जिस तरह से प्राइस पैटर्न है वीकली और मंथली पे, मुझे लगता है कि ये स्टार्ट ऑफ करेक्शन है और हम जो है तो 200 डेज का जो एवरेज है जहाँ से हमने ब्रेकआउट दिया था उसको टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, जो कि लगभग है 36,166। तो 200 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये जैसे जैसे कैंडल बढ़ेंगे ये भी लेवल जो है तो ऊपर की तरफ आएगा, तो आप जो है तो 36,200 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो यहाँ 39,050 के नीचे सेल ऑन राइज व्यू रहेगा, टारगेट जो है तो निचले साइड पर रहेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम हम पुट पे फोकस करेंगे, इन द मनी पुट पे फोकस करेंगे फॉर इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल बेसिस। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।